क्योंकि आज है रीना की डिलीवरी, मतलब जो सोच रहे वो वाली जो सोच रहे वो वाली डिलीवरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सैमी। तो क्योंकि हमारे बैक टू बैक पार्टी ब्लॉग्स आ रहे थे तो हमने सोचा कुछ अलग किया जाए, तो रीना और पुनीत के सौजन्य से आज हम एक अलग अलग ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। लेकिन किंतु परंतु बंधु और बंदी, पार्टी तो उसके बाद भी होगी, क्योंकि जो ये चीज जिस चीज के लिए हम जा रहे हैं पार्टी तो उसकी बनती है, तो वो तो देनी ही पड़ेगी। मतलब पार्टी तो इन द एंड होगी स्टार्ट कर दी है, सनी परांठे खा रहा है, ये वाली पार्टी सनी होगा, मतलब वो तो हम ले तो हम आज हैं रीना और पुनीत के साथ। पुनीत जिसने चंगा नहीं किते, पर आज इन दोनों ने बहुत ही चंगी बात की है कि मेरे को और विवेक को भी इन्होंने बुला लिया है, क्योंकि आज है रीना की डिलीवरी, मतलब जो सोच रहे वो वाली जो सोच रहे वो वाली डिलीवरी नहीं, किसी और चीज की डिलीवरी है। जिस चीज को लेने जा रहे हैं ना रीना की, वो दिखने में बहुत ही सुंदर होती है और आगे उसके दो प्यारी प्यारी सी आंखें होती हैं। वही रहने दे, तू जैसे एक्सप्लेन तो किया जा नहीं रहा, ऐसा लग रहा है मैं डिलीवरी के लिए जा रही हूँ और जिसकी छोटी छोटी आंखें हैं और प्यारी प्यारी आंखें हैं, जैसे मैं किसी बेबी गर्ल को लेने जा रही हूँ। वैसे फ्रेंड्स मैं एक्चुअली बता देती हूँ, क्योंकि सैम तो एक्सप्लेन कर नहीं पाएगा, मैं अपना जो बचपन का ड्रीम था थार लेने का, बचपन में थार आती थी यार, एटलीस्ट 10-15 ईयर से तो मैं देख ही रही हूँ ना, तो वो बचपन ही हुआ। जवान दिखने की कैसी कोशिश। हाँ ठीक है, तो तब से मेरा ड्रीम था कि मैं एक कार लूँ, मतलब ऑलरेडी मेरे पास है, बट हाँ थार का मेरा बहुत मन था, तो आज मैं कार लेने जा रही हूँ। दिस इज माय कार महिंद्रा थार। तो रीना लेने जा रही है अपनी ड्रीम कार जो कि है महिंद्रा थार। तो रीना का तो सपना पूरा होने वाला है, जो उसको बस हम थोड़ी देर में पूरा होते हुए देखेंगे आगे ब्लॉग में, और साथ साथ में मेरा और पुनीत का सपना भी मुझे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि है लेह लद्दाख जाने का। तो रीना थैंक यू सो मच, अपना सपना ये सच्चा इंसान होता है जो अपना सपना पूरा करता है और साथ साथ में दूसरों का भी सपना पूरा करता है। तो आज हम बहुत ही ज्यादा खुश है, रीना तो है ही खुश, मैं और पुनीत विवेक का तो पता नहीं है जाएगा ले लद्दाख की नहीं, पर हम हर साल सोचते कि जाना है, पर आज मुझे वो सपना यही सोचोगे कि जाना। नहीं, आज मुझे वो सपना पूरा नजर होते हुए आ रहा है। मुझे पुनीत वैसी गाड़ी चला रहा है अभी, चलो मेरी चला रहा है, पर ऐसे मुझे विजन हो गया फ्यूचर का कि ये थोड़े दिन में हम ऐसे वहाँ ले लद्दाख जा रहे हैं। पुनीत ने स्पेशली साइड पे पीछे वाली सीट पे वो लगवाया है, आर्मरेस्ट लगवाया है, और उसके अंदर वो जैसे ग्लास रखने के लिए वो पहले से ही एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि वहाँ पे खप खवाजा ही होगा। चलो फिर अभी हम रास्ते में हैं, बाकी जैसे ही हम शोरूम पहुंचते हैं फिर वहां से शुरू करते हैं। और सनी के परांठे अभी तक खत्म नहीं हुए, मेरे परांठे खत्म नहीं हुए, एक परांठा बचा है भाई, जिसने खाना बता दो, मैं बाद में खाऊंगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये टाइम के तू उधर में आई यहां सो सिंस यू आर बाइंग अ न्यू कार व्हिच इज महिंद्रा थार, तो मैंने सुना तुम हमारे को अपनी पुरानी कार गिफ्ट कर रहे हो। हां ले ले तू। अरे कितने अच्छे हैं, बहुत ही खुशी हुई। 6.5 लाख रुपए। तो क्योंकि अब देखो महिंद्रा थार आ रही है, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग दिखेंगे, स्टंट मारते हुए इधर मिट्टी में घुसते हुए, ऑफ रोडिंग और कौन से थे सबसे पहला स्टंट, एक तरफ टीवी होगी एक तरफ थार होगी, बीच में रीना स्टंट। तो बहुत सारी स्टंट वीडियोस आने वाली है, मतलब मुझे लग रहा है रीना ने कल जाके लेके आते हैं, बोलता रहता ना बच्चे दिल तुल डला डुलू के ना फिर वापस, या नहीं भी डलाएंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बुरा नहीं मानती रीना। रीना की गाड़ी होगी तो रीना की गाड़ी में टैंक फुल रहेगा। रीना ने रीना की बेचैनी जैसे ना खत्म नहीं हो रही कि आज रास्ता इतना लंबा कैसे हो रहा है, मतलब शोरूम तो नहीं आ रहा है भाई साहब। बापू बोलता था स्कूटर थक 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 थक, रीना की दिल की धड़कने जो है वो बढ़ती जा रही है लेक्सस चंडीगढ़, क्योंकि हम महिंद्रा के एक तो ये विवेक भाई ना उतार दो यार इनको वापसी में। अरे तू बता दो, देखी तू शुरू कर रहा है थक 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 थक, धड़कने हो चुकी हैं तेज क्योंकि एरिया आ गया है ना, बस कितनी दूर और बस मुझे नजर ये रहा। ओ माय गॉड एक्सप्रेशन देखो रीना के, ओ माय गॉड बस
लम्हों की ओर इंतजार, और आज उठेगा पर्दा गाड़ी से इंतजार। मैं तो जिंदगी में पहली बार वो पर्दे वाली जो होती है ना, तुम भी करोगे ना आज वो, जैसे लोग ऐसे वो उतारते पर्दा तो उठाएंगे वो। मैंने आज तक नहीं ऐसे कभी गाड़ी लिया यार भाई, वाह मैंने हमेशा रील और वीडियोस में देखा कि लोग ऐसे पर्दा उतार के गाड़ी लेते हैं, आज हम भी देखेंगे कैसे होता है वो। हर खूबसूरत चीज के पीछे पर्दा होता है, उसके आगे पर्दा होता है, उतारना पड़ता ही है। देखो हर खूबसूरत चीज पर्दे में होती है। अच्छा क्या बात है, ओ माय गॉड, पर हम अभी नहीं दिखाएंगे, दिख गई है हमारे को। नाइस, यही नंबर होगा पता नहीं यार, यही है कि कौन सी मेथड। ये वहां खड़ी है गाड़ी, पर वो किया की है। शोरूम के बाहर तो हम पहुंच गए, रीना और पुनीत गए हैं फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए, और हम दोनों जने बाहर खड़े हैं इंतजार देखने के लिए कि कैसे हम रेड कारपेट बिछेगा। हम तब जाएंगे जब सारी तैयारियां हो चुकी होगी और फिर वो पर्दा है उसे निकालेंगे। और लेट्स वेट फॉर द मोमेंट एंड वी विल बी राइट बैक। यस, तो उनको थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि वैसे तो उन्होंने गाड़ी बोला था कि हम रेडी रखेंगे, बट कुछ ना कुछ तो हमेशा रह ही जाता है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। इसको पानी दिया गया। अभी अभी खुफिया सूत्रों से पता चला कि ये जो खोपचे में जो गाड़ी दिखाई दे रही है यही वाली है, पर कितनी देर लगेगी अब हम पूछते हैं रीना से, कैमरा मैन। यही वाली गाड़ी है। मैंने उनको बोला, मैं फटाफट कर दो, बेचारी धूप में खड़ी हुई काली हो जाएगी। सही बात है यार, काली गाड़ी ऑलरेडी काली हो जाएगी। तू भी अच्छे जोक्स मारने लग पड़ी है। कंपनी का आता ना, कंपनी का असर है। बस वो पल कॉफी या फ्री की हम कॉफी यार बिल्कुल बिलाओ यार, ऐसे थोड़ी। पर ये मत सोचो कि तू बोलेगी कि यही पार्टी थी, मैंने कॉफी पिला तो दी थी। तूने हमारे को कॉफी तो पिला दी ना यहाँ पे, पर ये काफी नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं। पर जब सुनो जब खुशी होती है ना, उसी के आसपास गम भी भटक रहा होता है, और गम इस बात का कि मुझे जाना ऑफिस और तुम लोग घूमोगे। मुझे भी किडनैप किडनैप कर रहे थे, फोन कर देना मेरे ऑफिस में कि आपका बंदा किडनैप। ये सबर नहीं कर पा रही गाड़ी, गाड़ी का कपड़ा भी तेरे तरह बेचैन हो रखा कि कब मैं निकलूं। सो फाइनली रीना, कर्टन खींचने का टाइम आ चुका है। कांग्रेचुलेशंस रीना, कार का बा। ऐसे हाथ में देना, चल पुनीत चले ले। थैंक यू रीना सो मच हमारा ले लद्दाख के लिए, हमारे को गाड़ी अरेंज करने के लिए। Bye. ये रीना ज्यादा आगे नहीं लगी गाड़ी मेरे को पैदल चलाने के लिए। बस बस रीना, रुक जा। भावुक। ओ फाइनली गाड़ी की हो गई है डिलीवरी, और अब आगे देखते हैं क्या प्लान है। हमारा तो ऑफिस है, चलो इनसे पूछ लेते हैं ये क्या करने वाले हैं या करने के लिए सोच रहे हैं।
हाँ जी बहन जी लिफ्ट ही दे दो, आजो आजो। हाँ जी बहन जी गेड़ी मिलेगी। हाँ जी बहन जी जूटा दे दो। फिलहाल तो अभी इसमें सिर्फ लिफाफे की मतलब लिफाफे की वो आ रही खुशबू, पर मैं तो जिंदगी में पहली बार बैठने वाला हूँ यार थार में। सन्नी चला के आता है वो। बस नहीं आ जाना, सन्नी या पुनी चला लेगा तेरी गाड़ी। अभी हम कहाँ जा रहे हैं पहले? मंदिर चलते हैं, बस यहीं से लेफ्ट ही जाना है। भैया गाड़ी के, भैया गाड़ी के अंदर घुसते कैसे बताओ? अरे ये यहाँ से ये कौन नहीं पड़ेगी ये भाई, ये नहीं, नहीं ये नहीं है। बेस्तियाँ मत कराओ यार। होगा कोई ना कोई पॉइंट इसका। हाँ तो वो तो टिप्पण वाला है, ये तो डाल के नहीं देंगे ना। लो फ्यूल आ रहा है, ये बोल रहा है गाड़ी लेते ही हो रहा है लो फ्यूल, मतलब लो तुम्हें फ्यूल लेना पड़ेगा। गाड़ी लेते ही उन्होंने आपको बोल दिया आपका फ्यूल का खर्चा है। ये ऊप्स मोमेंट हो गया। पुनीत वहाँ पे बड़े कॉन्फिडेंस बोल के आया था, हम ऑलरेडी महिंद्रा कस्टमर है, हमें सब पता है गाड़ी के फीचर के बारे में। देखो मैं तो जिंदगी में पहली बार बैठने वाला हूं, सीट आगे नहीं हो रही है। ये रीना को तो पता होना चाहिए, इसने पहले भी चलाई है यार। हैं मैनुअल ही है ये सारी, मैनुअल ही है। हां मतलब मैनुअल इज इन की वो एक होता ना। बताओ यार क्या ऊप्स मोमेंट हो गया गाड़ी वालों, गाड़ी तो चलानी पड़ेगी ना, वो थे ना ऑटोमेटिक है कि गाड़ी चलो। पर ये देखो यार फिर पूछना पड़ेगा जाके कि कैसे भाई साहब सीट कैसे आगे करते हैं। और मेरी भी नहीं पता चल रही कि कैसे करते हैं। आगे आगे हम एक्सेप्टिंग करेंगे, हमारे को पता है, पर हम ऐसा सीखना चाह रहे हैं कैसे होती है ये। सर यहाँ पे यहाँ बटन इसको ऐसे करेंगे ओके, ठीक है। चलो फाइनल लग गया, पुनीत करके दिखा। अब सीख ली ना, ट्यूशन लगा ली ना कैसे करनी थी। यहाँ आमरेस लग रहा था बट ये कवर हो जाने तो मैडम मना कर दिया, मैं पीछे लगा देती हूँ यहाँ पर। ये आ गया पुनीत को भी फाइनली थार में छूटा मिल रहा है। सो रीना हाउ आर यू फीलिंग ड्राइविंग महिंद्रा ये थार योर ड्रीम कार? ग्रेट कार। आप पीछे आपको बैठ के कैसा एहसास हो रहा है? सवारी वाला मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस सिटी बस में मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैं तो जिंदगी में पहली बार मैंने बहुत ट्रैवल किया है। सिटी और थार में फर्क नहीं है? पहली बार थार में, मैं तो पहली बार थार में बैठा हूं और मैं थार के बैठा लिया कि चल तू ले जूता ऑफिस जाने से पहले, इससे पहले मैं रोते हुए जाऊँ ऑफिस और फिर अच्छा भी नहीं लगेगा ऐसे आंसू मेरे वहाँ निकल रहे हो। पर अच्छी फीलिंग आ रही है यार ऊंची ऊंची सी। वीकेंड में कहाँ जा रहे हैं हम? ऊंचे लोग ऊंची पसंद। मानिकचंद मैं कह रहा हूँ स्पेस है गाड़ी में, स्पेस है गाड़ी में, आप सही कह रहे हैं। मैं बच्चा आ जाएगा, देख अगर देख संजीत और विवेक को लेके जाएगी तो वो चार हैं वो फिट नहीं आएंगे, मैं पूजा और क्या आराम से फिट आ जाएंगे। तो अगर तुमने कुछ सैटरडे को प्लान बनाना होगा तो आई एम रेडी। दूसरी चाबी 18 तारीख के लिए छुपा के रख लिया। हां रीडी क्रॉस करके नहीं चले यार। तू बताओ क्या कर लियो, यहां पे तार खींच लगवा ले खोलने के लिए ऐसे करके। हां जी सब कुछ साथ में आ रहा है। जीरो देखो भाई जीरो, ठीक है पेट्रोल का था ये मॉडल। गड्ढे च तेल भरा लियो फुल, ये तो मतलब चलो कोई ना। अब वही है चाबी दो, पर मैंने ये पढ़ा था पर मुझे लगा था अब तक शायद कर दिया होगा इन्होंने चेंज। क्या चाबी का वो टच करा गया या लॉक ही है? लॉक है, नहीं नहीं वो लॉक ही है जैसे पुराने उसमें होता था ना। ये मैंने जब नई आई थी थार तब पढ़ा था रिव्यूज का कि इसमें चाबी से खुलता, लोगों ने लिखा था बहुत व्हाट द ऊप्स मोमेंट है। ऊप्स ऊप्स मोमेंट, कोई बात नहीं पीछे वाली खिड़कियां नहीं खुलती। हां ये गोटे यही
तो हम अभी खड़े मंदिर के आगे, क्योंकि नई गाड़ी ली है तो पूजा करानी तो बनती है। तो दीना वो ऑलरेडी बनी हुई है, उसे भगवान ने बना के भेजा हुआ है। तो तुम कराओ पूजा, मैं जरूर रुकता पर मेरा ऑफिस का हो रहा है टाइम और मुझे तो अब निकलना पड़ेगा क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। बाकी मुझे बहुत जलन हो रही है कि तुम एंजॉय करोगे नई गाड़ी में, गेड़ी मारोगे तो कम से कम सोटे के पैसे दे दे पीने के। ऐसे मेरी जलन दूर होगी, एसिडिटी जो हो जाती है ना जलन के मारे के, तुम मैं ऑफिस में बैठ के सोच रहा हूँ ये क्या कर रहे होंगे मैं ये। तो चलो फिर हम इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी हम थार का डिटेल ब्लॉग आगे बनाएंगे जब छुट्टी होगी, जब रीना मुझे घुमाने लेके जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको। ये छोटा सा ब्लॉग उम्मीद करते पसंद आया हो, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस रीना एंड पुनीत अगेन। बाय।